केस जो है एफआईआर नंबर 61/1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ, यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया, और बाकी चार जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो चार लोग भगोड़े थे, देवर ऑल अपस्कंडी। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया, यानी कि एक्चुअली चार लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि देवर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू हु वॉज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद दो बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट, रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जहूर अहमद भट्ट, कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और सीबीआई टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल, पांच में से दो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर हिज दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अपस्कंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस मीटिंग में, थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.